अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवीन चंद्र तिवारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाल कुआं का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर कड़ी नाराजगी जताते हुए जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। सीएमओ डॉक्टर नवीन चंद्र को निरीक्षण के दौरान मरीजों के बेड के आसपास कहीं भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले, जिसके बाद तत्काल बेड के पास ऑक्सीजन सिलेंडर लगवाए गए। वहीं कई जगह फैली गंदगी पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। सीएमओ ने बताया कि पिछले महीने की तुलना इस बार गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी में कमी देखने को मिली है। पर्याप्त स्टाफ होने के बावजूद डिलीवरी में क्यों कमी आई, इसके लिए हिदायत दी गई है। वहीं निरीक्षण में कुछ कमियां भी पाई गईं। चल बढ़िया चल रहा है, ओबीडी का भी बढ़िया है और कुछ चीजों की कमी है। वो कमियां आज इनको बता दिया, इनके इंचार्ज भी आए हैं यहाँ पर, इनवॉइस उनको भी लाया हूँ साथ में। क्योंकि अभी वर्षा ऋतु चल रही है, डेंगू और मलेरिया के परिप्रेक्ष्य में बेसिकली मैं यहाँ आया हूँ और डिलीवरी में थोड़ा सा कमी आई है पिछले महीने की तुलना में। तो वो जरा हमारा वो था, आग्रह था कि इनसे की जरा अपनी डिलीवरी सुधारें, क्योंकि जो स्टाफ नर्सें थे पहले तीन थी, अभी दो और भी आ गई हैं, तो पांच हैं स्टाफ नर्सें यहाँ पर। लोड काफ़ी है यहाँ पर और एक वार्ड बॉय भी की भी यहाँ कमी है। बाकी हॉस्टल तो रन सही कर रहा, भीड़ काफ़ी है, ज़्यादा भीड़ होगी तो मैनेज करना चाहता होता। बाकी दो चार चीज़ों में जो कमी है मैंने इनको बता दिया है, कोई पैसे की कमी होगी या जो कुछ कहीं दरवाजे काम नहीं कर रहे, कहीं पर थोड़ा हाइजीन सैनिटेशन की ज़्यादा समस्या है, कहीं पर कुछ गंदगी थोड़ा हो फैली हुई है, उसको सही करने के लिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।